उधम सिंह नगर में एक पुलिस का इंसानियत का चेहरा सामने आया है। जहां पर देश में कोरोना जैसे महामारी के बचाव के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है, जिसमें कोई असहाय लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुसीबत की घड़ी में एक परिवार के लिए उत्तराखंड पुलिस में तैनात एक महिला दरोगा उनके लिए फरिश्ता बन गई। आधा दर्जन लोगों के परिवार को गोद ले लिया। अपनी निजी सैलरी से लॉकडाउन रहने तक रोज़मर्रा की चीज़ों सहित पूरा भरण पोषण उठाने का बीड़ा उठाया है, जो एक सराहनीय कदम है। हाथ वाथ हिलाते हैं? कोई दिक्कत नहीं? ना ना, ठीक है। जो भी होगा खर्चा पानी मुझे फोन कर देना, ठीक, जो चीज होगा, ठीक है। सोनू भाई से भी मिली थी मैं, से चला है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है, प्रशासन जो है, वो गरीब लोगों तक खाना पहुंचा रहा है। तो मैं सभी जगह खाना बांटती हूँ। उस परिवार के पास भी मैं खाना लेके गई थी, तो तब मैं अपने पापा से इंस्पायर हुई थी। और उस परिवार को देख के मुझे ये लगा कि इस परिवार को अगर मैं गोद ले लूँ, क्योंकि लाखों लोगों का खाना उठा देने का बीड़ा मैं नहीं उठा सकती अकेले, लेकिन एक परिवार जिसमें 3 बच्चे हैं और 2 माँ बाप हैं, लॉकडाउन के चलते उनके आगे जो है नौकरी का संकट है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो तब मैंने सोचा कि मैं अपनी सैलरी से कम एक परिवार का खर्चा मैं उठा सकती हूँ। तो उनका जो भी डेली नीड्स का सामान है, आटा चावल वगैरह, वो जो जब तक लॉकडाउन है तब तक उनका खर्चा मैं उठाऊँगी अपनी सैलरी से। जी, थोड़ा मुश्किल होता है एक महिला के लिए। महिला होने के नाते मुझे अपना परिवार भी देखना है, साथ ही ड्यूटी भी है, और इंसानियत के नाते मैं ये काम भी कर रही हूँ। लेकिन यह है कि ईश्वर चाहे और दिल से इच्छा हो तो सभी काम हो जाते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके आसपास में अगर आप सक्षम हैं, क्योंकि इसके लिए खुद भी सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने आप में सक्षम हैं कि आप एक परिवार का खर्चा उठा सकते हैं, तो इससे हमारी सरकार को और हमारे देश को इससे कोरोना से जीतने में बहुत आर्थिक मदद भी मिलेगी और सामाजिक मदद भी मिलेगी। थैंक यू।